दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल एना बेसिस द लर्निंग अप में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को कि अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीम लेयर का सर्टिफिकेट गलत तरीके से यूज़ करता है, यानी कि फेक सर्टिफिकेट अगर यूज़ करता है, तो उसे किस तरह के परिणाम और किस तरह का जुर्माना उस पर हो सकता है, क्या रिजल्ट होंगे, क्या रिपरकशंस होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए भी आपके साथ लेके आया हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये जानना चाहते हैं। और इसका रीज़न है, जो रिसेंट एक कंट्रोवर्सी है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि एक यूपीएससी कैंडिडेट ने शायद गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके सिलेक्शन लिया है। हालांकि ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इस पर इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन किसी भी कैंडिडेट को ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके सिलेक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है, उसे किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इसको जानने के लिए हम रिफ़र करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में क्या बोलती है कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, किस तरह के परिणाम उन कैंडिडेट्स को फेस करने पड़ सकते हैं जो फेक सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। ये सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमिलर के लिए नहीं है, किसी भी तरह का गलत सर्टिफिकेट अगर यूज़ करता है कोई कैंडिडेट जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है और गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके अपनी एलिजिबिलिटी दिखाता है, सिलेक्शन लेता है, उन सभी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को, देखते हैं क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में बोला है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस मेमोरेंडम है, इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट रिजर्वेशन सेक्शन, DOPT का लेटर है, 2013 का लेटर है। इसमें बताया है कि एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु गेट अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स SC ST OBC सर्टिफिकेट्स, राइट। यानी कि वो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने गलत यानी कि फेक और फॉल्स SC ST या OBC सर्टिफिकेट यूज़ करके गवर्नमेंट जॉब ली है, उन पर किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। मैं पहले इस कॉन्टेंट को रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। Wherever it is found that a government servant who was not qualified or eligible in terms of the recruitment rules, etc., for initial recruitment in service or had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment, he should not be retained in service. If he is a probationer or a temporary government servant, he should be discharged or his services should be terminated. If he has become a permanent government servant, an inquiry as prescribed in Rule 14 of CCCA Rules 1965 may be held, and if the charges are proved, the government servant should be removed or dismissed from service. In no circumstances should any other penalty be imposed. ठीक है, इस लेटर में ये बताया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए गलत तरीका यूज़ करता है, गलत सर्टिफिकेट यूज़ करता है, अपनी वो एलिजिबिलिटीज दिखाता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को, अगर वो प्रोबेशनर है यानी कि अभी उसकी ट्रेनिंग ही चल रही है, अभी परमानेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में उसको तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी। वो इंक्वायरी बैठेगी रूल 14 ऑफ CCS एंड CCA 1965 के तहत, और उसमें अगर ये प्रूफ होता है कि हाँ, इसने गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके अपनी एलिजिबिलिटी दिखाई जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं था, और इस एग्ज़ाम में रिक्रूट हुआ है, इंडक्ट हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट बना है, तो ऐसे केस में एक बार ये प्रूफ होने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विसेज से। लास्ट में ये बोलता है कि इसके अलावा और उस कैंडिडेट पे किसी तरह की और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। यानी कि 400 BC का केस या उसको जेल में भेजना वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस सर्विस को उसने लिया है गलत तरीके से यूज़ करके, उससे उसको रिमूव कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस लेटर में बहुत ही कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर गलत तरीका यूज़ करके एग्ज़ाम में रिक्रूट होता है,
गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके यूज़ होता है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो या फिजिकल डिसेबिलिटी का हो। अगर गलत सर्टिफिकेट यूज़ करके रिक्रूट हुआ है तो अगर वो प्रोफेशन में है तो उसका वहीं के वहीं उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सर्विसेज से उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी। और अगर वो प्रोफेशन कंप्लीट करके परमानेंट हो जाता है तब उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और उसको बाद अगर प्रूफ होता है तो उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आदेश है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी ये सलाह रहेगी आप सभी को कि किसी भी तरह का कोई गलत माध्यम यूज़ ना करें, अपनी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मेहनत करें, सही तरीका यूज़ करें। क्योंकि आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि अगर किसी ने गलत सर्टिफिकेट यूज़ किया और वो सिलेक्ट हो गया और सिलेक्ट होने के बाद परमानेंट भी हो गया और 4-5 साल भी गुजर गए, उसके बाद अगर इस तरह की बात सामने आती है, उसकी सर्विस टर्मिनेट होती हैं, तो वो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन होगी। क्योंकि उस समय ये सर्विस तो हाथ से जाएगी, साथ ही साथ शायद आपकी एज लिमिट भी निकल जाए और आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देने लायक ना रहें। तो आप किसी भी तरह से कोई गलत तरीका यूज़ ना करें, अपनी मेहनत करें और उससे एग्ज़ाम को क्लियर करें। क्योंकि गलत तरीका यूज़ करने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सूनर और लेटर ये बात रिवील हो जाती है और उसके बाद कई सारी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, से उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और जो क्वेरी आपकी थी उस इस वीडियो के साथ वो रिजॉल्व ज़रूर होगी। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कनेक्ट होऊंगा एक बार फिर आपके साथ और उसको भी रिजॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का ध्यान रखें। जय हिंद।